आपको यहाँ मिलेगा मस्त मोहा, जो चाय कॉफी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। वाह आप मोदी जी, वाह मौज कर। हम चला रहे हैं ऑल ड्राइव क्रेटा, मांग के लाए, मांग के अपनी वाली बाहर निकालने की इच्छा नहीं थी। एकदम ऑटोमेटिक, मतलब ये गियर खुद लग जाया करेगा ऐसा ऑटोमेटिक। क्या कहती है वो, टेस्ला खरीद ले, तसला तसला सीधे, तसला के पैसे नहीं। नहीं तो पापा सिविल का काम करते हैं, तसले तो अपने गैरेज में चार पांच रखे ही है और दो एक ले आते। देख सकते हो यार लोग, भीड़ भाड़ तो है रोड पे, नहीं आगे चलाने भले भली को नौके। देखो अंकल थका के बैठ गए, मास्क वास सब नीचे करके, दम इनका भी घुटता, ये भी इंसान है बेचारे, धूप में खड़े ड्यूटी दे रहे हैं। ऑल राइट फाइनली हम आ गए हबीबगंज, काफी खाली खाली। आओ एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, ये वाला भी आज अपनी ट्रेन है शताब्दी। तो किधर से पड़ेगा, इधर से बने, इधर पड़ेगा। और एक तो अपन आ गए शताब्दी में, अपना वो वाला गया टूट, सरकार ने किया परेशान इनकी। अच्छा सॉरी, चलो ये वाला वीडियो अपन इसी के साथ यहीं पे शुरू कर देते हैं। लगी हालत खराब हो गई भाई सामान रखने में, तो पूरी ट्रेन ऑलमोस्ट खाली पड़ गई। खाली ऐसे की है लोग इक्के दुक्के हैं, और माइट भी पॉसिबल भी 10-15 मिनट बाकी हैं चलने में, तो और लोग आएंगे। बाकी मैं पीछे का दिखाऊं आपको, तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं अभी, और जिन्हें हमारे जैसी अर्जेंसी नहीं है सिर्फ वही ट्रैवल कर रहे होंगे, हमारे जैसी अर्जेंसी है वही ट्रैवल कर रहे हैं, अदरवाइज सब लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं, तो इट्स सो फॉर सो गुड। अब आप सोच रहे हो हमें वैसी कौन सी इमरजेंसी आ गई होगी कि हम ट्रैवल कर रहे हैं, इमरजेंसी एज सच कुछ भी नहीं है, जस्ट बिकॉज कि पुराने जो कमिटमेंट्स हैं बेसिकली कुछ वेडिंग्स के कमिटमेंट लगे हुए हैं जो कि 23 से स्टार्ट होनी है, ठीक है। तो कुछ मीटिंग्स करनी है, कुछ डिस्कशंस करने हैं, और क्लाइंट इज़ लाइक कि वो उस डेट में वेडिंग करना चाहते हैं, दे आर नॉट विलिंग टू पोस्टपोन या उसको आगे ले जाना है जैसा भी। तो दे सेड कि भाई 50 लोगों की हो सकती है, अपन 50 की करेंगे, बट करना सेम डेट में है। अब क्लाइंट की अगर ऐसी कुछ मर्ज़ी है और अपन ने कमिटमेंट किए हैं, तो एज अ इवेंट मैनेजर हमें कमिटमेंट निभाना है बहुत ज़रूरी है, और जाना तो पड़ेगा फिर। लेट्स सी, कल है डिस्कशन, फिंगर क्रॉस जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे तब डिस्कशन होके और नए ब्लॉग की तैयारी हो चुकी होगी, सो होप फॉर द बेस्ट, फिंगर क्रॉस्ड। तो आज आपको दिखाने वाला हूँ कि कोविड में कैसे आजाद, तो अभी आपको दिखाने वाला हूँ मैं कि कोविड में अगर इस तरह से आप ट्रैवल करते हैं इन शताब्दी, तो आपको क्या क्या फैसिलिटी पहले के मुकाबले अब मिलती है। बने रहो, है ना, जिसने अभी तक लाइक नहीं किया वो लाइक कर दो, जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लो, बढ़ रहे हैं हम धीरे धीरे। रेमडेसिविर चाहिए 6 बॉटल, थोड़ा तेजी से बढ़वा। आई भाई भीड़ आई भयंकर तौर पे आई, अभिगन से चढ़े थे तो लग रहा था कि कोई नहीं है, खाली खाली, बट राइट नाउ एवरीवन इज गेटिंग सेटल। अब मैं माहौल दिखाता हूँ एक्चुअल में कहाँ पहुँच गई चीज़ें। टका टक भर गया है, टका टक। और अब जो ये ब्लॉग आप देख रहे हो मैं इसको एडिट,
नेटवर्क ठीक से आते नहीं है, तो इससे अच्छा कुछ लगता नहीं है। अब चार घंटे अपन क्या करेंगे, चार में से दो घंटे तो अपन ब्लॉग एडिट कर लेते हैं और कुछ घंटे में अपन आगे का शूट कर लेंगे। सफ़र ऐसे ही कट जाएगा, यूँ ही सफ़र कट जाएगा, साथ चलते चलते मिल रहे हैं अपन। बेसिकली शताब्दी में पहले जब हम जाते थे तो हमें मिलता था मील। इस टाइम पे अगर हम जाते थे भोपाल से यहाँ जाते थे ग्वालियर, हमें मिलता था चाय नाश्ता, हाई टी में। अब देखना है कोविड सिनेरियो में कि लास्ट टाइम हम आए थे तब ऐसा कुछ भी लंच वंच मिला नहीं था, तो अभी पानी की भी होटल मिलती है कि नहीं वो देखना ज़रूरी है। खाना जी जल्दी हमको खाना बिक रहा है, बोला था ना मैंने खाना बिक रहा है। तो आपको यहाँ मिलेगा मस्त पोहा, सूप, चाय, कॉफी नहीं है अनफॉर्चुनेटली। तो यस, ये वाला ब्लॉग जो अभी एडिट हो रहा है, रेंडर निकल रहा है, ये वाला आप इसके पहले देख चुके हो। अब ये जो है सेकंड एपिसोड जो अपन चालू कर रहे हैं वो अब ये चल रहा है। जब टिकट में मील इंक्लूड था तो आपके पास ऑप्शन नहीं था वेज और नॉन वेज के, है ना। बट जब से इन लोगों ने बेचना चालू किया आपके पास ऑप्शन की कोई कमी नहीं है। क्या क्या ऑप्शन है? मैगी, पोहा, उपमा, सूप, चाय, कॉफी, बाकी खाना तो है ही। और खाना भी क्वालिटी हल्दीराम की दी जा रही है सर। वाह वाह मोदी जी, वाह, मौज कर रही। स्थिति खराब है नोट, पर इन चीज़ों से आर्थिक स्थिति और खराब होगी आम जनता की, याद रखना। रेस्ट सो फॉर सो गुड, एंड देख ही रहे हो बाकी तो। तो पहले जो खाना और टिकट में इंक्लूड होता था, पानी की बॉटल इंक्लूड होती थी ट्रेन में, अब टिकट का रेट ज़्यादा कर दिया है क्योंकि जस्ट बिकॉज इट्स नॉट हबीबगंज शताब्दी, इट्स अ स्पेशल ट्रेन। तो स्पेशल ट्रेन जो होती हैं उनके रेट ज़्यादा होते हैं, और खाना पीना बेचने से कोरोना नहीं हो रहा है, बट क्रोनोलॉजी ये है कि खाना अगर टिकट में इंक्लूड करके जैसे पहले देते थे वैसे अगर दिया तो कोरोना हो जाएगा। तो समझ रहे हो ना, रात्रि भोजन प्रदान किया जाएगा, इसको करेक्ट कर दो भाई साहब, यहाँ लिखो रात्रि भोजन शीघ्र ही बेचा जाएगा, आप जिसको लगे वो खरीद सकते हैं। फाइनली ग्वालियर आ गया, और ये रुकी गाड़ी, इधर का स्टेशन दिखाते हैं कितना भरा कितना खाया, भीड़ तो है भाई। ठीक है टाइम से पहुँच गए, जल्दी मिलते हैं अपन, जल्दी क्या मिलते हैं, जब बाहर चलते बात करते हैं। इधर तो काफ़ी भीड़ दिख रही है यार, काफ़ी भीड़ है, मिलते हैं। ओह शोर शराबा ये है वो आ ही रहा है, कोई बात नहीं, क्या बोलो यार, आ गए। मौसम यहाँ पे ठीक ठाक है, अभी तो कोई खास गर्मी लग नहीं रही है। करेंटली लॉकडाउन भी एक्सटेंड कर दिया गया है 26 अप्रैल तक, देखो अब क्या होता है क्या नहीं। फाइनली एग्जिट बाहर, और इतने सारे लोग खड़े हो के एक आंटी को उस पर चढ़वा रहे थे एक्सीलेटर पे। चलो भैया घबरा नहीं रहे अंकल, उन्होंने चेक भी नहीं किया कि टेम्परेचर आया है कितना। कोई बात नहीं, अब ऑटो वालों से मिलते हैं अपन। क्या रुपए? पहली बार नहीं है, 40 लोग हैं अभी, टाइम ऐसा हुआ नहीं है कि 50 रुपए देना चाहिए। तो किधर है खड़ी है? 50 रुपए ना, चल आ जा, 40 रुपए में तैयार आ जाओ। डॉलर के साथ मैंने मस्ती मजाक नहीं की है बेसिकली, नहीं तो ज़बरदस्त मजाक कर लेते हैं अपन। जब अपने को अपना ड्राइवर लेने आता है ना गाड़ी घोड़े लेके, तो खूब मस्ती मजाक करता हूँ मैं। हाँ
40 पर आज कोई लेने वाला नहीं था इसलिए मस्ती नहीं की मैंने। मतलब मस्ती कुछ ऐसी होती है कि ये बोलते हैं ऑटो, मैं बोलता हूँ ऑटो, तो ये फिर बोलते हैं हाँ ऑटो, तो फिर मैं बोलता हूँ हाँ ऑटो, बोलते हैं बोलो ऑटो, मैं बोलता हूँ बोलो ऑटो, और इसी तरह से ऑटो ऑटो का जाप करते करते हम चले जाते हैं।